देखो आज संबलपुर आउ देवगढ़ जिले रे क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम माध्यम रे भारत सरकार कर विभिन्न बैंक गुड़िक स्टेट बैंक नेतृत्व रे एठी 70,000 रु अधिक लाभार्थी मानक सस्ता मूल्य रे कम सुधरे ऋण दबार उपलब्ध करेले पाखापाखि 2300 कोटी टंकार ऋण आज ये उपलब्ध करागला स्वनिधि टू आरंभ करके किसान क्रेडिट कार्ड रे माछ चाषी टू आरंभ करके बीमा योजना पर्यंत आज ये सुविधा सब उपलब्ध करागला IIM माध्यम रे अंचल जो टेक्सटाइल सेक्टर हैंडलूम सेक्टर जो भौणी माने काम करचुंदी नुआ स्किलिंग सर्टिफिकेट भी दिगला माने आम अंचल हैंडलूम रे काम करथुबा भौणी माने एबे IIM रे सर्टिफिकेट पाइबे ये नरेंद्र मोदी सरकार योजना ये मुझे उल्लेखनीय तथ्य कह अंचल आगु प्रतिनिधित्व करें बैंक गुड़िक बसु से मु हिसाब करे जहाँ 100 टंका डिपोजिट रे ओडिशा रे 30-35% ऋण दि जाऊला आज आज तथ्य कौच मोदी सरकार समय आज दिन सुधा ये ऋण 61% को पहुँचला 100 टंका CDR जहाँ कह क्रेडिट डिपोजिट रेशियो रे आज 100 टंका डिपोजिट रे बैंक माने 61% ऋण दे भितर विशेष करके छोट लोक मैंने गरीब लोक मानक वंचित वर्ग को नरेंद्र मोदी बद्धपरिकर आत्मनिर्भर भारत बनवाई हेले बॉटम ऑफ द पिरामिड को ध्यान दिया दरकार तेरे योजनाबद्ध भाव जनधन खाता खोलागला मुद्रा ऋण योजना करागला स्वनिधि करागला विश्वकर्मा करागला SHG को सस्ता ऋण रे सुधरे ऋण दिगला ये सब गोटे योजनाबद्ध प्रक्रिया कारण आज ओडिशा रे 1 कोटी लोक दारिद्र्य सीमा रेखा तलु बाहर को आसिले भारत वर्ष रे 25 कोटी लोक आसिले एटा उडे बहुत बड़ उपलब्धि बुल्ला बिकाली जो मान कि ऋण कथा भाव ना परिश्रमित करा जाऊ नथुला सेमान मध्यतरे होउछन्ती एवं जने महिला मिल कहले 1 कोटी 25 लाख पर्यंत इंडिविजुअल लोन भेटि जाय स्टैंड अप रे मोदी है तो मुमकिन है आज मोदी प्रथम दिन रु कहितले 2014 मसिया रे मो सरकार देशर गरीबों पर समर्पित रहिबो मो सरकार देशर महिलाओं पर समर्पित रहिबो मो सरकार देशर युवक मान समर्पित रहिबो मो सरकार देशर वंचित मान समर्पित रहिबो आज आत्मसंतोष विषय आज आम संबलपुर केवल 70,000 लोक मान गोटे फेज रे इतने निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस 2300 कोटी टाइम ऋण देलु यहाँ नरेन्द्र मोदी उपलब्धि गोटे मास्टर विभरे आउ आमे सीडबी तरफ रु आमको महिला मान को इटा डाकिछन आमर सीडबी के बहुत धन्यवाद जे आमको स्मॉल बिजनेस ऊपर हमको गोटे बहुत बड़ प्रोग्राम टे करदेले से हमको ट्रेनिंग देतिले तार बाहर हैला हमको रिएक्टिव डाए तापरे गला जे आमर मार्केटिंग ऊपर तापरे आमर नेचुरल कलर ऊपर हमको ट्रेनिंग देतिले से ट्रेनिंग रे आमे समस्त सक्सेस हे गलु सक्सेस हेकि आमे यहादे मते पठेतिले लद्दाख लद्दाख रे आर्मी वुमेन मानको मते ट्रेनिंग देबार ले कहितिले आउ सेने आर्मी वुमेन मानको ट्रेनिंग देकिरी आमे सक्सेस हेकि रहिछे मोर लेखान आउर भी बहुत लेडीज माने जाइकिरी ट्रेनिंग नेकिरी एंदा सिडबी रु सेमाने भी उन्नति करून सब महिला सशक्ति होन सिडबी के बहुत बहुत धन्यवाद जे एंदा महिला मानको प्लेटफॉर्म मिलू आ महिला माने जाइकिरी एंदा बहुत उन्नति करून समस्त आशा पूरण हो आ महिला माने आ पछरे नै पड़ो समस्त आके जाओ गुटे पटे केंद्र सरकार महिला मानको सशक्तिकरण कोचे गुटे पटे राज्य सरकार कोचे तो इदा के नै कि आपन केंदा देखु ना मते सत समान लागुछे माने महिला माने आमे समस्ते समान सब महिला माने समस्ते एकता महिला माने ही हमर मिशन शक्ति माने हमर महिला सशक्तिकरण सब गोटे खाली हमको प्लेटफॉर्म मिलते गले हम आके सब जाते जाउछु आ समस्ते समान अछु इतरा किछ हमको ना राज्य सरकार ना भारत सरकार इने किछ से तो हमको सपोर्ट करू जों तो हमर किछ कहबार से नन आउ इस केंद्रीय सरकार को जन स्कीम अच्छे से पाई ना मुझे बहुत खुशी अच्छे मुझे निजर गुटा निजे ठिया हड़े पारिछे आउ से लगी केंद्रीय सरकार को बहुत धन्यवाद जनाऊ मुझे टेलरिंग दुकान दे मुझे झील मान ड्रेस ब्लाउज शाढ़ी पिल्को फल सब ड्रेस मानक ही खाली बनासी नहीं
निश्चित तौर से 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से निचले स्तर तक जाकर के गरीबों का कल्याण करने का कार्य किया है, आज कहीं ना कहीं नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगर यहाँ पर भी आप देखें तो 70,000 से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं लोन दिया गया है जो कि 23,000 करोड़ रुपए का। पहले ये लोन गरीबों के लिए सपना होता था, लेकिन आज बैंक उनके द्वार पे जाकर के कहीं ना कहीं लोन देने का काम कर रही है ताकि अपना वो जीवन यापन चला सके। इनका पर्पज क्या है, जो नया जो ये निकला है जिसको लोन नहीं मिल रहा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं की वजह से वो नहीं पा पा रहे थे, ये जो नया उससे विशेष करके कौन सा वर्ग को बेनिफिट हो? निश्चित तौर से सबसे निचला वर्ग जो हमारा छोटा वर्ग है, जिनके पास बैंक खाता खोलने के लिए भी पैसा नहीं होता था, उनके पास गारंटर नहीं होते थे। आज सरकार ने कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं में बिना गारंटी के भी लोन देने का व्यवस्था बनाया, उससे आज सारे लोग लाभ पा रहे हैं।